Hi everyone, hope you're doing well. Finally, we have crossed 1000 subscribers. मेरे लिए ये बहुत special moment है. जब मैंने चैनल चालू किया था मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सबसे मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा. I really thank you each and everyone for showing your support and keeping me motivated. मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसे ही या इससे अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला के दूँ और हमेशा अनबायस्ड ही रहूँ. उम्मीद यही है कि हमारे चैनल की इस छोटी सी कोशिश से हम एक ऐसा ट्रेडिंग कम्युनिटी बना सके जहाँ न्यू और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों का फायदा हो. सो हमारा पे स्ट्रेटजीज का फर्स्ट वीडियो आ गया है. आपको आई कार्ड पे एक वीडियो दिख रहा होगा. हमने ACB स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेड में टेस्ट किया था. अगर आपने देखा नहीं है तो डू चेक आउट द वीडियो. ऑब्वियसली आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैनी डाउट्स एंड बैकलैश फ्रॉम पीपल अबाउट द स्ट्रेटजी, जो सही भी है. यू आर एंटाइटल्ड टू हैव योर ओपिनियंस. लेट मी आंसर फ्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, ताकि इससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले. फर्स्ट थिंग जो मैंने वो वीडियो में बोला था और हर वीडियो में बोलता हूँ, 100 टेस्ट इनफ नहीं होता. बट ये 100 टेस्ट से क्लैरिटी आ जाता है कि स्ट्रेटजी कैसा है. ऑब्वियसली और बैक टेस्टिंग हमें करना चाहिए, बट ये 100 टेस्ट बेंचमार्क जैसा काम करता है, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि बाकी सब स्ट्रेटजी के साथ ये स्ट्रेटजी कैसे कंपेयर होता है. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मैंने स्टॉक्स फोर्स लिया है जिससे रिजल्ट्स कमी आया. सबसे पहले, हर स्ट्रेटजी सेम काम नहीं करती हर स्टॉक्स में, ये सच है. इसलिए हमने स्टार्ट से ये 4 स्टॉक्स लिए हैं. रीज़न ये है कि रिलायंस का वेटेज सबसे हाईएस्ट है निफ्टी 50 में और IOC का सबसे लोवेस्ट है. और रिमेनिंग 2 स्टॉक्स अदानी पोर्ट और टाटा स्टील इन रेंज के बीच में आते हैं. सो बेसिकली चारों स्टॉक एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग ही स्टॉक है, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है उनमें. इसलिए हम ये 4 स्टॉक में बैक टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है. और अगर मैं कोई स्पेशल स्टॉक में बैक टेस्टिंग करूँ तो फोर्स रिजल्ट ही होगा. और ऑब्वियसली अगर उन्होंने बोला है कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक यही लो तो मैं वही स्टॉक लूंगा, बट ऐसा कहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला है. और एज अ न्यू ट्रेडर अगर मैंने कोई कोर्स लिया है तो मैं कोई भी स्टॉक्स ले सकता हूँ, राइट. मिस्टर सिड ने भी अपने वीडियो में यही नहीं बोला है कि कौन सा स्टॉक्स आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं. मैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजी टेस्ट किया है, जैसे 44 मूविंग एवरेज हुआ, GFS वाली स्ट्रैटेजी हुआ, वो भी इन 4 स्टॉक्स में ही मैंने टेस्ट किया है. सो हम ये केस में बायस कैसे हो सकते हैं? सो आई थिंक दैट आंसर्स फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस. आई नो और कोई डाउट्स हुआ रहेगा आपको तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो. बट एक और चीज़, लेट मी बी क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ACB स्ट्रेटजी काम नहीं करता. करता होगा और आप लोग में से कुछ लोग कमाते भी होंगे, बट अबाउट टेस्ट रिजल्ट के ऊपर से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, एंड आई स्टैंड बाय इट. चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं. ये अपडेट वीडियो है ACB स्ट्रेटजी के ऊपर. यहाँ हमने ACB स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स टेस्ट किया है इंट्राडे टाइम फ्रेम में. So without wasting any more time, hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. Well, obviously, last video जैसा मैं strategy इस video में बता तो नहीं सकता to avoid copyright और legal issues. वैसे भी कुछ लोगों को back testing और strategy में फर्क क्या होता है किसी को पता नहीं रहता. हम ACB strategy को total 100 times test करने वाले हैं इन 4 stocks में. We are testing this for intraday, that is 15 minutes time frame, and keeping the risk reward as 1.5:1. चलिए बैक टेस्टिंग के रिजल्ट पे चलते हैं. अगेन मैं बैक टेस्टिंग का वीडियो नहीं दिखा सकता ड्यू टू ऑब्वियस रीजन. सो हियर आर द रीजन. एज यू कैन सी, टोटल टेस्ट 100 था. 48 वॉज विन एंड 52 वॉज लॉस. विन रेट वॉज 48%. टोटल गेन इन अकाउंट वॉज 21.26%. मैक्सिमम ड्रॉडाउन वॉज -11.26%. Win in a row was 6, lose in a row was 6. Total duration of the test was 5.42 months, that is 0.45 years. जैसे आप देख सकते हो ACB intraday time frame में win rate 48% है और gain in an account is 21.26% against the drawdown as -11.26%. By testing इतना समझता है कि ACB strategy intraday में ज़्यादा profitable है compared to daily time frame. Still हमने 44 मूविंग एवरेज वाली एक स्ट्रैटेजी अपने चैनल पे टेस्ट किया है. वो एक फ्री स्ट्रैटेजी है जो, और उसका विन रेट भी 52% था और गेन भी अराउंड 32.92%. सेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी हमने उसका टेस्ट किया. स्टिल 44 मूविंग एवरेज वाली इससे एक अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारे चैनल पे. 44 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी फ्री भी है जो हमने अपने चैनल पे टेस्ट किया है और उसका विन रेट भी 52% था.
और गेन भी अराउंड 32.92% था, वो भी सेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. ओके, एनीवेज एज पर अबाउ रिजल्ट एसीबी स्ट्रेटजी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो प्रॉफिटेबल है. अल्टीमेट चॉइस आपका है, मेरा काम है कि आपको अनबायस रिजल्ट प्रेजेंट करना. एंड अगेन बोलता हूँ, 100 टेस्ट इनफ नहीं होता है, बट आपको ये एज अ बेंचमार्क काम करता है, जिससे आप एक स्ट्रेटजी को दूसरी स्ट्रेटजी से कंपेयर कर सको. और बहुत लोग का रिक्वेस्ट था, डरिए मत, हम करेंगे कुछ टाइम में. हम ऑब्वियसली 44 मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रेटजी है उसको डेली टाइम फ्रेम में टेस्ट करेंगे और उसका वीडियो आपको स्ट्रेटजी चैनल पे लाएंगे. देखते हैं वो कैसे काम करता है. आई होप एसीबी जैसा अनप्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेट्स सी. एनीवेज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर द रिजल्ट्स. I'll add these results in the rank sheet. As you can see, these take the 11th position in the list. You can see this sheet and review or rewatch any strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification. And do like the video and share the video. Please comment में आपका feedback दीजिए और आप कौन सी strategy चाहते हैं कि हम future videos में test करें, ये भी ज़रूर बताइए. आप हमारे channel के playlist देख सकते हैं और दूसरी strategies के video भी देख सकते हैं. Also, link to the request sheet will be in the description. All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.